तो दोस्तों 2023 में यामा ने अपने काफ़ी सारे मेजर मॉडल्स में अपडेट्स लेके आए हैं हमारे लिए, जैसे R15 उसमें क्विक शिफ्टर आता है, नया TFT स्क्रीन आता है, FZX, FZS में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आता है, एंड यू नो बहुत सारे चेंजेस हैं। उसमें से एक बाइक हम आज आपके लिए टेस्ट करने वाले हैं, एंड दैट टू इन दिस अमेजिंग लैंड ऑफ जयपुर। लेट्स गो। तो दोस्तों 2023 के लिए यामा ने अपने काफी सारे मॉडल्स को अपडेट किया है, जो अपडेट्स है मेजरली सेफ्टी के रिगार्डिंग है, एंड विच इज अ रियली गुड थिंग। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, एंड आज हम है जयपुर एक्सप्लोर कर रहे हैं FZX के साथ। ये इनका सेमी एक्सप्लोरर बाइक बोल सकते हैं। हम ये वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो अच्छे पार्ट से जो चेंजेस है एंड जो नॉट सो गुड पार्ट है उसका अलग सेक्शन रहेगा। सो दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट द मेजर चेंजेस। ये बाइक में फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आता है। अगर आप स्विच गियर में भी देखेंगे तो TCS का बटन आ गया है, इसको आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ये प्राइस पॉइंट पे ट्रैक्शन कंट्रोल आना इज An amazing thing. जो दूसरा चेंज है that is the LED indicators. अभी इसमें front and back में आपको LED indicators आते हैं। So दोस्तों अभी जो future में E20 petrol आने वाला है ये compatible है। अभी engine का बात करें तो हमने जयपुर काफी explore किया है ये bike पर। Engine काफी refined है। City traffic में जो normal highways है उधर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, unless 3-digit speed पे अगर आपको चलाना है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसका जो टॉप एंड है वो स्पीड में काफी vibrations आते हैं। अगर आप 80 की स्पीड पर चला रहे हो हाईवे पर तो ये गाड़ी क्रूज करती है अराउंड 6200 RPM पर। अगर आप 80 से ज्यादा स्पीड लेते हो अराउंड 85, 90, 95 तो काफी सारे वाइब्रेशंस आपको हैंडल बार पर और टैंक पर आपको फील होंगे, बट उसके नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक्स भी जो है, ब्रेक्स फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स अच्छे काम करते हैं। अगर हम कंफर्ट वाइज देखें तो ये राइडर के लिए एंड पिलियन के लिए दोनों के लिए काफी कंफर्टेबल है। जो सीट का कुशनिंग है वो भी अच्छा है, एंड इसके साथ साथ जो सस्पेंशन का ट्यूनिंग है काफी न्यूट्रल है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि सिटीज एंड हाईवेज पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फ्रंट में आपको 41mm के टेलीस्कोपिक शॉक्स आते हैं और पीछे आपको मोनोशॉक आता है। जो व्हील्स का बात किए तो दोनों तरफ आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट एंड रियर में आपको ब्लॉक पैटर्न के टायर्स मिलते हैं, सो दैट मींस ये ऑन एंड ऑफ रोड टायर्स है। घाट सेक्शन में हम थोड़ा चला रहे थे, थोड़ा एग्रेसिव चला रहे थे हम। इसका जो ग्रिप है, ग्रिप लेवल उतना नहीं है। अगर आप एग्रेसिव राइड करते हो तो इट्स बेटर टू चेंज टू गुड बेटर टायर्स। तो इसमें यामा का ऑफिशियल ऐप आता है, अगर आप उसके थ्रू कनेक्ट करोगे तो आपको इसमें कॉल अलर्ट्स, मैसेज अलर्ट्स, ईमेल अलर्ट, बैटरी स्टेटस, ये सारे चीज आप देख सकते हो एट अ ग्लांस। इसमें कंपनी ने एक नया कलर भी इंट्रोड्यूस किया है, विच इज द मैट ब्लू विथ गोल्डन व्हील्स, वो भी काफी अच्छा लगता है। आई पर्सनली लाइक दिस ब्लैक कलर विच इज मैट ब्लैक विथ दिस सिल्वर एक्सेंट, काफी अच्छा लगता है मुझे ये। So दोस्तों ये बाइक में कोई कोई पॉइंट्स है जो चेंज नहीं हुए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द डिजाइन। ये गाड़ी का जो डिजाइन है ये काफी पोलराइजिंग है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। आई पर्सनली एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस। तो दोस्तों अगर आप इसका ओवरऑल डिजाइन देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये जो डिजाइन है इसको न्यू रेट्रो काइंड ऑफ डिजाइन किया है। तो सामने से डिजाइन चालू हुआ है, टैंक में अच्छा खासा डिजाइन आपको देखने मिलेगा, सीट अच्छा डिजाइन है, बट What about this rear part? ऐसे लगता है जैसे यामा यहाँ तक पूरा डिजाइन किया और यहाँ तक बोले अरे नहीं चाय का टाइम हो गया जल्दी खत्म करो और निकलो। ये जो पार्ट है इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया ऐसे लगता है। जो पीछे का है बहुत मिनिमल लगता है, अगेन वो LED टेल लैंप आता है जो सेम पहले आता था। ये जो ग्रैब हैंडल है ये काफी ऐसा लगता है बहुत कोर्स लगता है ये। दूसरी चीज जो है जो चेंज नहीं हुई है एंड मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए था इज द फ्यूल टैंक। ये जो फ्यूल टैंक है आपको लगेगा कि ये पूरा फ्यूल टैंक है, बट नहीं, ये दिस इज जस्ट द कवर। जो ये फ्यूल टैंक है इसमें अभी भी 10 लीटर्स का कैपेसिटी आता है, तो आई फील दैट उसको एटलीस्ट 13-14 लीटर्स करना चाहिए था, सो दैट इसका रेंज बढ़ सकता था। फ्यूल का बात कर रहे हैं तो इसका जो माइलेज है कंपनी क्लेम्ड है 55 किलोमीटर पर लीटर, बट दोस्तों इन रियल लाइफ यू शुड गेट अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर पर लीटर। तो इसका जो रेंज आप बोल सकते हैं फुल टैंक में अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर है। सो दोस्तों इसमें जो इंजन आता है वही 150cc का इंजन है, 12.4 BHP है, अराउंड 13 Nm का टॉर्क है, विच इज रियली डिसेंट। जैसे मैं आपको बोल रहा था इसका रिफाइनमेंट लेवल अच्छा है, एंड नॉर्मल हाईवे रन्स के लिए दिस इज अ परफेक्ट बाइक। काफी कंफर्टेबल भी है इसका। अगर आप सीटिंग पोजीशन देखोगे, फुटरेस्ट जो है इट इज फॉरवर्ड सेट, अगर आप देखोगे तो एकदम रिलैक्स पोजीशन है। इवन हैंडल बार जो है काफी वाइड है। मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के लिए आई वुड लाइक टू हैव अ हैंडल बार राइजर ओवर हियर। 1 इंच का राइजर अगर आपने लगाया तो ये काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम। जो लेआउट है, स्विच गियर है, काफी सेम है, फंक्शनल है, नॉट द हाईएस्ट क्वालिटी बट इट वर्क्स वेल। स्विच गियर के सामने आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी आता है, तो आप कोई भी 12 वोल्ट का कार चार्जर आप इधर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर चार्जिंग योर फोन। बट मैं पर्सनली बोलूं तो ये एक ऑलराउंडर बाइक है। आपको कोई नॉर्मल हाईवे रन्स करने हैं, आपको सिटी में चलाना है, ये सारे काम आपके लिए करके देगी। इसका जो कॉस्ट है इट इज 1,36,000 एक्स शोरूम। इसमें काफी सारे सेफ्टी पैकेजेस भी एड किए गए हैं। सो दोस्तों दिस इज व्हाट द FZX इज ऑल अबाउट। आपको ये गाड़ी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड
ड्राइव सेफ।